हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। अभी बज रहा है 7 बज रहा है या 7:30 भी बज रहा होगा, मैं ठीक से बता नहीं पाऊँगी क्योंकि मैंने देखा नहीं। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ सबसे पहले बाहर का नज़ारा और आपको भी दिखाएंगे। ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल भी चल रही थी बट आज से कम थी और आज उससे भी खराब वेदर मुझे पता नहीं था। और यहाँ पे देखिए बाहर कितना क्लाउडी है, तो बहुत तेज़ हवा चल रही है और मेरे सारे विंडो पे LED लाइट इस तरीके से लटका हुआ था। तो मैं सोची सबको खुलवा लूँ, नहीं तो बारिश भी हो सकती है, तो फिर लाइट तो गई। तो यहाँ पे देखिए सारे लाइट्स को मैंने खुलवा करके रख लिया, ये 6 लाइट्स हैं टोटल। तो सबको बोला मैंने खोल दो भाई, तो खोल दिया उन्होंने और यहाँ पे रखा हुआ सारे लाइट्स। और ये वाला लाइट्स मैं दिखाती हूँ, एक अलग सा लाइट है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज करा था, इस बार नहीं, इसे पिछले साल ही करा था। ये दीप वाली लाइट है, दीप के शेप में बना हुआ है। तो ये मैं बालकनी में लगाई थी, ऑलरेडी हम खुद खोल लिए। ये बहुत आसान है खोलना, तो इसे खोल करके सिर्फ इसको फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। और उसके बाद लाइट्स खुल गया है मेरा और यहाँ पे मैं आ गई किचन में। किचन में मैं बना रही हूँ काढ़ा क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है और घर में सबको थोड़ा थोड़ा सर्दी खांसी सर्दी जुकाम शुरू हो गया है। तो काढ़ा पीने से क्या होगा ना, थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो बढ़ गया तो फिर बच्चे लोगों का एग्ज़ाम भी आने वाला है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले थोड़ा सा काढ़ा बना लेती हूँ। तो काढ़ा सिर्फ नॉर्मल तरीके से मैंने बनाया है, गर्म पानी, मतलब गर्म पानी के नॉर्मल पानी में जो तुलसी पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा गोल मिर्च जो होता है वो डालेंगे और इसके साथ अजवाइन, थोड़ा सा दालचीनी, सबको डाल करके इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। मतलब इसकी क्वांटिटी जब हाफ हो जाए तब तक पकाना है इसे। और ये देखिए पक चुकी है, अच्छे से काढ़ा बन गई है मेरी। तो अब हम इसे छान करके सब आदमी थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे। यहाँ पे मेरी काढ़ा बन गई है, जो सुबह का टाइम है सबसे पहले काढ़ा ही पियेंगे। तो और काढ़ा पीने के बाद छठ पूजा जैसे है, तो आज तो नहाए खाए हैं। मैं आप लोग के साथ ठेकुआ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही आसान है और यम्मी है, और छठ पूजा का स्पेशल प्रसाद यही होता है। तो ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी बर्तन में गुड़ लेंगे, जैगरी, और यहाँ पे मैंने 1/2 कप जैगरी लिया है। इसमें पानी डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद कोई बर्तन लेंगे। इसमें 3 कप मैंने यहाँ पर गेहूँ काटा लिया है, और बहुत लोग आजकल सूजी मैदा से भी बनाते हैं बट ठेकुआ प्रॉपर जो बनता है, पहले बनता था वो गेहूं के आटे से ही बनता था। तो यहाँ पे आटा में जाएगा 3 से 4 चम्मच घी और इसको अच्छे से मिक्स करना है दोनों को। और यहाँ पे दिखाऊंगी मैं, ये देखिए बाइंडिंग जो है ना इस तरीके से जब हो जाए तो समझिए मेरा अच्छे से आटा जो है तैयार हो गया है। क्योंकि इस तरीके से बनने के बाद खास्ता बहुत ही होता है, बहुत ही अच्छा बनता है। और इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, थोड़ा सा सौंफ डालेंगे और ठेकुए का जो पानी था इससे हम इसका डो तैयार कर लेंगे। और डो बनाने के बाद इसका शेप ले लेंगे, मतलब जितना बड़ा हमें बनाना है उतना गोल गोल करके रख लेंगे। और मेरे पास साँचा था इसलिए साँचा पे मैंने शेप बनाया और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए तलेंगे। आप इसे हाथ पे भी दबा करके शेप बना सकते हो, टेस्ट तो एक ही जैसा आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ठेकुआ बनाएंगे। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।